इन पकोड़ों को देख के कहीं से भी आपको लग रहा है ये गोभी के पकोड़े हैं। ये गोभी ली है, इसको डाल देंगे पानी के अंदर, ये नमक, ये हल्दी, और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। साबुत धनिया, काली मिर्च, जीरा है, क्रश कर लेते हैं, इसको चॉप कर लीजिए इस तरह से। इसको बॉल में डाल देते हैं। ये क्या, लहसुन, दो हरी मिर्च, प्याज है, धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गया नमक, थोड़ी सी हींग, अजवाइन, ये रहा क्रश मसाला। अब डलेगा इसके अंदर बेसन, चावल के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है मीठा सोडा। इसको मिक्सिंग करने से पहले आपको ऑयल की कढ़ाई पहले से तैयार करके रखनी होगी क्योंकि इसमें नमक है। तो अब करते हैं इसको मिक्स। और ये गया इसमें पानी, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले अपनी उंगलियों को इस तरह से गीला कीजिए और साइड में से यहाँ से ऐसे करके, बस जैसे आपकी मर्जी कर रही है वैसे डाल दीजिए इसको। थोड़ी ही देर बाद में बाहर की सरफेस जब हल्की सी हार्ड हो जाए उसके बाद ही इसको टच करना है। और हमेशा आपको बोलता हूँ इसको लिफ्ट कीजिए इस तरह से, फिर डालिए। जब झाग थोड़ा कम हो जाए ना तो इसका मतलब ये पक गए हैं। अब निकाल लेते हैं इसको फटाफट से।